हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इज्जत सक्सेस में। दोस्तों, कल एक वीडियो डाला था मैंने एग्जाम एनालिसिस का, पटवारी का, जो कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छे अच्छे कमेंट सभी लोगों के, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं था, और होंगे भी कैसे, जो बातें थी बिल्कुल स्पष्ट रूप से सही बताई है। ठीक है, आज आप सभी लोगों को जो इंग्लिश में दिक्कत आ रही थी, तो इंग्लिश में मैंने बताया था कि भाई एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, स्पेलिंग से, और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, इडियम्स आ रहे हैं, सेंटोनियम्स आ रहे हैं, एंटोनियम्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो उसमें जो एक्टिव बाइस, पैसिव बाइस का जो पोर्शन था, वो मैं आज आपको क्लियर करवाने वाला हूँ, बहुत ही कम समय में और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत आसान। आपको नहीं है इंग्लिश आती ना, तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे अगर उसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप 4 नंबर आपके बना सकते हो। ठीक है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार सभी से मैं, कि भाई जिनको इंग्लिश आती है, जो बैंक वाले हैं, एसएससी वाले हैं, जिन्हें बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ के रखी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ज्ञान गणित मत देना आकर के कि ऐसा वैसा फलाना ढिकाना और बहुत सारी चीजें, आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, जो एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज को सीधे तरीके से ट्रिक के माध्यम से सीखना चाहते हैं। उसी गारंटी मेरी है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, उसी गारंटी मेरी है। ठीक है, बाकी नियम मत बताना भाई मेरे को कि इसमें ये नियम लगता वो नियम लगता, नियम हमको सब पता है, हम नियम को तोड़ के शॉर्ट ट्रिक बनाने वाले लोग हैं। ठीक है ना, और ये आपके फायदे के लिए है, तो जिन्हें देखना है वो आपकी इच्छा है, नहीं देखना है कोई दिक्कत नहीं, जिनका फायदा होगा वो काफी है। ठीक है, जिन्हें कल का वीडियो अच्छा लगा था, उन्होंने अच्छी बातें बोली, बुरी तो फिर कोई किसी ने बोली नहीं, तो कल के वीडियो को प्यार देने के लिए धन्यवाद। और आज जो है वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाला, पहले वीडियो देखने से भी लोग, उसके बाद लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वॉइस, देखिए बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी होती है, मैं समझने की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वॉइस होता क्या है। भाई मैंने एक वाक्य लिखा कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, एक मैंने वाक्य लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं भाई, ठीक है, मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। आपको टेंस आते हैं नहीं आते हैं चिंता मत करो, ये देखोगे वीडियो, मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप 22 में 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ समझने की कोशिश करना, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, जितनी चीजें बता रहा हूँ उसको याद कर लेना कि ऐसा तो ऐसा, बात खत्म। सही कैसे जाएंगे, मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा कि देखो, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं कि प्रैक्टिस भी कर लेते हैं अपन, और प्रैक्टिस कहाँ से करना है तुमको वो भी बता दूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने एक वाक्य लिखा है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, और उसी वाक्य को मैंने थोड़ा इस तरीके से लिखा कि पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, मतलब दोनों में काम एक ही हो रहा है कि मैं यहाँ पे पुस्तक पढ़ रहा हूँ और यहाँ भी जो है पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा। मतलब दोनों वाक्य में काम एक ही हो रहा है कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, मगर दूसरे वाक्य में क्या बोलने का तरीका बदल दिया। हुआ यह था कि यहाँ पे क्या हुआ कि मैं हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पुस्तक जो है वो एक ऑब्जेक्ट हो गई और पढ़ना एक क्रिया हो गई। ठीक है, तो मैंने क्या किया भैया, यहाँ पे क्या था ऐसा करके, इंग्लिश में अगर मैं बोलूंगा तो एक सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब की फॉर्म लग जाती है और ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब अपन उसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो होता क्या है कि ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आना पड़ता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है और सब्जेक्ट पीछे चले जाता है। इतना सा खेल है पूरे उसमें। ठीक है, क्या है कि भैया जब अपन लिखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई सा भी वो, टेंस पे डिपेंड करता है, अभी हमने उसमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसलिए इसको मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं। जब पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो हमेशा हमेशा आगे उठ के जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और सब्जेक्ट जो है पीछे चले आता है। मतलब भाई एक्टिव वॉइस से जब पैसिव बनाओगे, ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते समय होगा क्या कि सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और वर्ब की फॉर्म कौन सी लग जाएगी, थर्ड फॉर्म लग जाएगी।
ये एक बात गठान बांध लो, ठीक है। जब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाओगे तो सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पीछे चले जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बस बात खत्म। इतना समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि भाई एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाओगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब पैसिव वॉइस दिया होगा तो क्या होगा कि भाई चेंज हो जाएगा, इतनी सी बात, एक बात याद रखना। तो ये पहली बात हमारी हो गई, ठीक है, एक बात इसको याद रखना, ठीक है। दूसरी बात और क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कुछ नियम बता रहा हूं वो याद रख लो, चार नियम है बस। अगर वो चार पांच नियम याद रख लिए तुमने तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। पहला मैं बोल रहा हूं कि भाई मान लो कि किसी वाक्य में तुम्हारे को कंटिन्यूअस का टेंस दिया हुआ है। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, वहां पे हमेशा और हमेशा किसका यूज करना है अपने को, बींग का, बींग, BEING, बींग। और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म ही रहने वाली है, बींग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा नियम यह है कि भैया जिस वाक्य में अपने को हैज Have, या हेड, जहां पे अपने को हैज हैव या हेड दिख जाए तो वहां पे अपन बीन ढूंढेंगे, बीन, BEEN, बीन। और वर्ब की तो हमेशा कौन सी फॉर्म रहेगी, इसमें थर्ड फॉर्म ही रहना है। तीसरा एक और देख लो, तीसरे में अगर मान लो अपने कोई भी मॉडल, कोई भी मॉडल, मॉडल क्या होते हैं भाई, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ये सब जो होते हैं वो मॉडल होते हैं। तो जहां पर भी अपने को मॉडल या विल शेल, विल सेल, SHA LL सेल, या कैन कुड CUD, या फिर मस्ट, ऐसे बहुत सारे मॉडल कुछ भी हो सकते हैं, विल सेल कैन कुड मस्ट कुछ भी हो सकता है, जहां पे अपने को ये मॉडल दिख जाए तो वहां पे अपने को करना है कि भैया बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। जहां पे अपने को वर्ब के साथ आईएनजी दिखेगा वहां पे अपने को बींग यूज करना है, जहां पे हैज हैव और हेड दिख जाएगा अपने को वहां पे बीन के साथ थर्ड फॉर्म यूज करना है, जहां पे अपने को कोई भी मॉडल दिख जाएगा विल शेल या कोई भी मॉडल कैन कुड मस्ट दिख जाएगा तो वहां पे अपने को क्या यूज करना है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। एक और देख लो, एक ये है कि मान लो अगर अपने को एस या ई एस दिख जाता है, वो अपने को कोई वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं वो, तो वहां पे अपन क्या ढूंढेंगे, इज एम आर, ये ढूंढेंगे अपन, ठीक है, क्या ढूंढेंगे अपन, इज एम आर, बस ये चार चीज। चाचा ये चार चीज अगर समझ में आ गई ना अपने को तो पूरा खेल है अपना, ठीक है। देखो एक बार फिर से क्या बताना चाह रहा था मैं ये बताना चाह रहा था भाई कि एक्टिव वाइस पैसिव वाइस बहुत आसान होते हैं, सीधा सीधा नियम बता रहा हूं मैं। सीधा सीधा नियम ये है कि एक्टिव वाइस से पैसिव वाइस बनाते समय होता क्या है कि सब्जेक्ट को उठा के पीछे रखना है, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे रखना है, और वर्ब की कोई सी भी फॉर्म लगी हो तो अपने को क्या करना है, थर्ड फॉर्म में ले जाना, उसको बात खत्म। पहला, दूसरा समझ में आया कि वर्ब के साथ आईएनजी लगी है तो हमेशा क्या लगा देंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर हैज हैव और हेड लिखा हुआ है तो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। विल शेल कैन कुड शुड मस्ट कुछ भी लगा है, यानी कि कोई सा मॉडल है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और एस और ईएस लगा हुआ है तो इज एम आर लगा देंगे, बात खत्म, ठीक है। और मॉडल्स जो होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं करना है, मॉडल्स जो है वो चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि कैन है तो कैन का एक्टिव वॉइस में कैन दिया तो कुड हो जाएगा जाके, सेल दिया तो सुड हो जाएगा, कभी भी मॉडल चेंज नहीं करना है। बिल दिया तो वुड कर दिया, दिमाग लगाना ही है, जो दिया है एक्टिव में वही पैसिव में, जो पैसिव में दिया है वो एक्टिव में, दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा, है ही नहीं मान के चलो। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि भाई वर्ब के साथ आईएनजी दिया तो बीन ढूंढना है, एज एफ दिया है तो बीन ढूंढना है, विल शेल कैन कुड शुड दिया है तो बी ढूंढना है, एस एस लगा दिया तो इज एम आर लगाना है। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं, उसके बाद तुमको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। देखो एग्जाम्पल है मेरे पास एक,
कि द फायरवुड इज विंग कट बाय द वुड कटर्स, एक देकर रखा उनने, तो ये अपने को समझ में आ गया कि बिंग, तो हमने ऊपर पढ़ा भी नहीं कि हमको आंसर क्या देना, हमको समझ में आया बिंग, बिंग मतलब ये हमको समझ में आया पेस्टिसाइड्स देकर रखा है, तो काय में कन्वर्ट करना है हमको, एक्टिव में कन्वर्ट करना है, समझ में आया, ठीक है। ऊपर लिखिए एक लाइन, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, बात वही हो गई, मतलब एक्टिव वॉइस चूज करना है, मतलब पेसिव देकर रखा, तो देखो द फायर वुड इज विंग कट बाय द वुड कटर्स, में तो इतना पढ़ता भी नहीं हूं, डायरेक्ट क्या दिख रहा था मेरे को, विंग, तो अपने को पता है कि भाई जहां पे विंग लिखा हुआ है तो विंग है, तो मतलब काय में जाना है मेरे को, एक्टिव में जाना है, क्या ढूंढूंगा मैं, वर्ब के साथ क्या लगे होना चाहिए, आईएनजी लगे होना चाहिए, चार ऑप्शन में देखो काय में आईएनजी लगे ले, पहले में आईएनजी है कि कट के साथ, नहीं है, दूसरे में देखो कट के साथ आईएनजी का, हाँ है, तीसरे में देखो कट के साथ आईएनजी नहीं है, चौथे में देखो कट के साथ, हाँ है, मतलब दूसरे में और चौथे में अपने पास है, मगर अपने को क्या चाहिए था भैया, ऊपर लिखे रहे द फायरवुड इज, मतलब इज एम आर का क्वेश्चन है, तो आर होना जरूरी, काय में आर है, दूसरे वाले में, लो जी आंसर आ गया अपने पास, मतलब दूसरा सही है अपने पास, आया समझ में, बहुत इजी है, क्या ढूंढा अपने सिर्फ कि भैया बिंग था तो अपने को क्या दिखना चाहिए, आईएनजी, यानी कि वर्ब के साथ कट अपनी वर्ब थी, कटिंग होना चाहिए, कटिंग काय में दिख रहा अपने को, भैया अपने को पहले में नहीं दिख रहा है, तीसरे में भी दिख रहा, दो ऑप्शन कट गए अपने पास, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन बचा था, अपन ने देखा कि इज लिखा था, मतलब इज आर एम, तो आर काय में, दूसरे में सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन और सरल है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, द प्रिंसिपल विल मीट द स्टूडेंट दिस इवनिंग, ठीक है, क्या है भैया अपने पास, विल लगा हुआ है क्या, हाँ ठीक है, चलो क्या ढूंढेंगे अपन, विल वी, क्या हो जाएगा अपने को, बी ढूंढना है अपने को, चलो देखो बिल भी अपने को काय में दिख रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि बिल चेंज होगा क्या, नहीं होगा, बिल भी ढूंढना अपने को, देखो चार ऑप्शन में बिल काय में दिख रहा है, पहले में कुड भी है, दूसरे में बिल भी, तीसरे में कैन भी, चौथे में शुड भी, बिल भी काय में, सिर्फ एक ही में, सेकंड वाले में, पर सेकंड वाला का अपना आंसर हो गया, चेक कर लो, लॉजिक कितना सरल है ना, मतलब बहुत सारे पता नहीं क्यों हवा बना के रखा और 50-100 नियम बना दिए भाई, नहीं आते हमको नियम, सीधी सीधी बात है, और ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना मैं, ये कहाँ के क्वेश्चन है, ये 2016 के MPSI के क्वेश्चन है, जाके वेबसाइट पे चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर भी इसलिए मैंने नहीं हटाया, क्वेश्चन नंबर भी दिख रहा था तुमको, तो क्वेश्चन नंबर भी इसलिए नहीं हटाया क्योंकि 2016 के MPSI के क्वेश्चन है, जो कि आप हमने एग्जाम दिया था, वहीं से जाके आपको और प्रैक्टिस भी करना, नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से वीडियो देखना और फिर प्रैक्टिस करना, भाई आपके पूरे नंबर आएंगे एक्टिव वाइज स्पेसिफिक वाइज के, मैं गारंटी ले रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, अगला दिया है, आर द रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं भाई, क्रिया क्या, रिसीविंग क्या लगे ले, आई एन जी, अपने को पता है आई एन जी है, तो अपने क्या ढूंढना है, बिंग ढूंढना है, क्वेश्चन वैसे के वैसे रहेगा, देखो बिंग काय में लिखा हुआ है, जल्दी बताओ, पहले वाले में बिंग है, दूसरे वाले में बिंग है, तीसरे वाले में बिंग है, चौथे वाले में बिंग है, दोनों में क्या है अपने पास, बिंग बिंग है, ठीक है, तो अब आर का क्या हो जाता है, इज हो जाता है काय में, चौथे में इज है, लो जी आंसर आ गया, चौथा आंसर है अपने पास, और क्या सरल, इससे सरल और क्या चाहिए भाई, यही चार नंबर है, लोग इसमें गलती कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, चलो, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, क्या लगा हुआ, बीन, लो जी अभी वही क्वेश्चन है, बीन का अपने क्या पता है, ये क्या है, आई एन जी करना है, चलो बता दो काम है, आई एन जी काम में लगाना, पहले वाले में आई एन जी है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, और चौथे वाले में आई एन जी, लो जी, तो देखो आप पहले वाले में तो क्या है, हेड है, और चौथे वाले में आर है, तो स्वाभाविक बात है हेड तो आएगा, नहीं क्या आएगा, आर आएगा, पता है ना, बेसिक सी चीज है, मतलब आंसर कौन सा हो गया अपना, चौथा, लो जी आंसर आ गया, मतलब बहुत आसान है, ऐसा बहुत बड़ा एक्टिवाइज स्पेसिफाइज में ऐसा कुछ नहीं है, है ना, बाकी अभी देखो दूसरे से भी अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी समझ में आया है, कोई चेंज नहीं होता, ये भी समझ में आया कि क्या ढूंढना है, चलो और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो फटाक से, समय कम है, तुम्हारे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, अगला देखो क्या लिखा था, वेयर कैन, क्या लिखा है, कैन, कैन क्या होता है, मॉडल होता है हमारा, ठीक है, क्या ढूंढना है अपने को, बी, कैन का कैन ही रहेगा, चलो बताओ जल्दी से, ठीक है, वेयर कैन द कैन दिस बॉक्स बी हिडन बाय यू, मतलब बी लगा हुआ है, मतलब पैसिव वॉइस दिया हुआ है, तो एक्टिव बनाना है, मतलब बी को हटा देंगे अपन, ठीक, तो कैन का कैन ही रहेगा, बताओ चार ऑप्शन में कैन कहाँ है, पहले वाले में बुट है, दूसरे वाले में कैन है, तीसरे वाले में माइट है, चौथे वाले में सेल है, मतलब कैन एक ही में है, दूसरे वाले में, लो जी आंसर क्या हो जाएगा अपना, दूसरा, भाई सभी ऐसे हैं, 2016 के MPSI के पेपर देख लो, तीन तीन चार चार सब में एक्टिव स्पेसिफाइज आया है, सब में यही आया है,
कोई बहुत बड़ा रूल, बहुत बड़ा विधान, कोई कुछ भी नहीं एक्टिव स्पेसिफाइज में। अगर इससे बाहर चले जाएगा तो आके अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को, बात खत्म। सीधा बोल रहा हूं मैं, तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बस ध्यान का रखना है सिर्फ ये चार बातें और जो मैंने बताया वो। अगर वो भी याद नहीं रहता ना तो इतनी चीजें याद रख लोगे ना कि भाई आई एन जी बींग, बींग का आई एन जी, हैज हैव हेड का बीन, बीन का हैज हैव हेड, विल शेल कैन कुड मस्ट का बी और बी का ये, और एस और एस लगा तो इज एम आर और इज एम आर तो एस एस, बात खत्म। इससे ज्यादा नहीं है, पूरे नंबर आएंगे, हम कर चुके हैं, हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो अगर अगर ये पसंद आया तुमको कि भाई चलो ठीक लगा है तो आप स्पष्ट बोलना है कि ठीक लगा है, नहीं पसंद आया है तो स्पष्ट बोलना है कि नहीं आया है। अगर आपको ये पसंद आता है तो इससे भी बेहतरीन ट्रिक, ऐसे ही ट्रिक मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की भी दे सकता हूँ। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच भी चुटकियों में खत्म करवा सकता हूँ मैं, 10 मिनट के वीडियो में आपके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच खत्म हो जाएगी और आपके 3 नंबर वहां से भी आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि नंबर ज्यादा से ज्यादा अपन कहां से खींच सकते हैं ये देखना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे लेके आना है अपने को ये देखना है। अब आपके ऊपर है, आप नंबर लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, हम तो देने के लिए तैयार है, सिखाने के लिए तैयार है, अब वो आपकी इच्छा है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।